भारतीय कप्तान विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने करियर का 36वां वनडे शतक ठोक दिया। कोहली ने 140 रन बनाए और उन्होंने 107 गेंदों की पारी में 21 चौके और 2 छक्के लगाए, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। वेस्टइंडीज पर 8 विकेट से जीत के बाद कोहली ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल कोहली ने ये माना है कि इस खेल का आनंद लेने के लिए अब उनके पास कुछ ही साल बचे हैं। कोहली ने कहा कि इस खेल का आनंद लेने के लिए मेरे करियर में कुछ ही साल बचे हैं। देश के लिए खेलना गर्व और एक बड़ा सम्मान है। आप किसी भी खेल को हल्के ढंग से लेने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। कोहली ने आगे कहा कि आपको खेल के प्रति ईमानदार होना चाहिए और यही वह समय है जब खेल आपको वापस देता है। मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूँ, यही मेरी सोच है, क्योंकि आप भारत के लिए खेल रहे हैं और हर किसी को ऐसा करने का मौका नहीं मिलता। वही विराट कोहली ने माना कि रोहित शर्मा के पिच पर मौजूद होने से बल्लेबाजी और आसान हो जाती है। कोहली ने कहा, यह जीत हमारे लिए शानदार रही। मैं समझता हूँ कि वेस्टइंडीज ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की और 320 से ऊपर का लक्ष्य हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर एक अच्छी साझेदारी हुई तो हम मैच जीत पाएंगे। कोहली ने यह भी कहा कि दूसरे छोर पर रोहित हो तो बल्लेबाजी आसान हो जाती है। ऐसा बहुत कम होता है कि रोहित क्रीज पर मौजूद दूसरे बल्लेबाज से धीमी बल्लेबाजी करे। टॉप 3 बल्लेबाजों में से मुझे एंकर रोल निभाना पसंद है, लेकिन आज मैं अच्छा महसूस कर रहा था और मैंने रोहित से कहा कि वह एंकर रोल निभाए। मेरे पवेलियन लौटने के बाद उन्होंने तेज बल्लेबाजी की और अंबाती रायडू ने एंकर रोल निभाया। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।